अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद आफ्ताब, एक और नए ब्लॉग में खुशामदीद। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ तारागढ़ पे, और ये देखे ये गेट है, यहाँ से सीधा जाते हैं तारागढ़ पे। भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। ये कितने हैं, कितने आते हैं? 100 के 90 है। फिर असल में चढ़ने में ना बहुत तकलीफ होती है, उतरने में काफ़ी शानदार फटाफट उतर जाता है, बट रास्ते भी काफ़ी एडवेंचर होते हैं उतरने के टाइम। देखिए भाई इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, अभी बहुत बाकी है भाई चढ़ना। तो भाई चढ़ने में तो काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। ये शानदार देग, ये भी बड़ी देग है, ये भी किसी बादशाह ने ही यहाँ पर रखा होगा। यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू दिखेगा 2.5 दिन की झोपड़ी का। तो ये देखिए करीब, ये है 2.5 दिन की झोपड़ी, और उस तरफ है अना सागर का व्यू, और ये देखे भाई पहाड़ी का। अब यहाँ से शुरू हो रहा है एडवेंचर, ये देखे भाई ज़बरदस्त एडवेंचर है। ये देखे भाई रास्ते बड़े कठिन है, पूरे पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है। देखिए किला वहाँ पर है, हमें उस टॉप पर जाना है अभी। गन्ने का जूस आए हैं, हम यहाँ पर ना एक पॉइंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर घोड़े के टॉप की आवाज़ आती है। वैसे तो मैंने कई मर्तबा यहाँ पर सुना हूँ। ये देखिए काफ़ी लोग सुन रहे हैं कान लगाकर, और यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है। तो ये देखिए एक तालाब पर ना यकीनन घोड़े की टाप की आवाज़ आती है, बिल्कुल मैंने सुना हूँ कई मर्तबा, बट मुझे इस वक्त नहीं आया था। ये देखिए भाई किले की तरफ पहुँच गए हैं, काफ़ी थक हार कर, मतलब कि कुछ कदम चलेंगे तो आ जाएगा, बट फिर भी चला नहीं जाएगा शायद। बहुत थक गए, मौज हो गई, मौज। अब ये पनाह मांग रहे हैं, ये है हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे अब कुछ उम्मीद की किरणें नजर आ रही है। ये देखे भाई ये जो कॉर्नर हम देख रहे थे, ये वही है ऊपर से बना हुआ। ये देखे ऊपर से तो काफ़ी छोटा छोटा दिखाई देता है। ये हाय हाय, पता नहीं क्या है। और इसका मैं तुमको राज बताता हूँ, ये है ना यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे पहले, तो यहाँ से ये लोग नज़र रखा करते थे, तो ऐसा ये इसके काम आया करता था। ये जो होल देख रहे हैं आप, ये देखें, यहाँ पर देखते भाई क्या है नीचे चल के। ये देखे थोड़ा उधर भाई पूरी, ये देखे भाई ये किला है, और किले की हालत तो कितनी ख़राब हुई पड़ी है, बट आगे की जो दीवारें हैं ये देखे, परिंदा है भाई उधर कुछ तो भी नज़र आ रहा है। ये देखे कितना पुराना बना हुआ है। अच्छा ये आगे का जो है ना दीवार जो थी, जो सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता था उसको, तो वही बची हुई है, बाकी जो अंदर किला वगैरह जो है वो सब टूट चुका है अब। ये देखिए भाई पहले के पुराने घर, किलों में ये ऐसे हुआ करते थे, काफ़ी ज़बरदस्त। ये देखिए भाई कितनी बड़ी बावरी बनी हुई है, ये देखे मीरा सैयद हुसैन का जो बुलंद गेट है, बुलंद दरवाज़ा जो कहते हैं, ये मेन गेट है। ये मुग़ल दौर में बना हुआ है, मुग़ल शासन के उसमें बना हुआ है, इसका तामीर की गई है। तो मैं अभी चल जाऊँगा,
अच्छा वैकेशन के हिसाब से ना काफ़ी क्राउड यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखें, इस तरफ वजू खाना है, इस तरफ ये चिरागे लगती है, इस तरफ मस्जिद है और उस तरफ है दरगाह। तो चले ये देखें, जबरदस्त भाई, तू साइड में रहे भाई। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हजरत की एक बहुत ही बड़ी करामत है जो कि आज तक चलती है, वो ये है कि ये औलाद के लिए ये फल दिया जाता है। तो ये पेड़ कौन सा है? यही वाला पेड़ है। अच्छा, उसको कैसे लेना पड़ता है? तरीका कुछ नहीं, तरीका इसमें लिखा हुआ है। अच्छा बताइए एक मरतबा, तो ये कितने का है सर? खुशी से दो, जितना खुशी। अच्छा अदिया है, जितना खुशी हो उतना दो। तो ये औलाद के लिए काफ़ी अच्छा है और आप दुआ करके खाएंगे, बेशक अल्लाह शिफा देने वाला है, बट बुज़ुर्गों के करम से ही होता है। भाई इतनी तेज तड़ाकेदार धूप है ना भाई, यहाँ पर मार्बल की छांव में बैठने का मज़ा ही कुछ नेक्स्ट लेवल आ रहा है। और तड़ाकेदार भूख लगी है भाई, तो हमारे दोस्तों के पेट में भी ना जंगे शुरू हो गई है अब।